और चूंकि ये रिश्ते में मेरा भांजा लगता है, तो मैं तो इसको इस शुभ अवसर पर यही उद्घाटन के समय कहूंगा कि अपनी कठिन मेहनत और लगन से लगातार निरंतर लगा रहेगा तो निश्चित रूप से ही ये जो छोटा सा पौधा आज हम सबके सानिध्य में रोपा गया है, ये आगे वृक्ष का रूप लेवे। इन शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने और सम्मानित करने के लिए। एक बार पुनः धन्यवाद। गुरुजन सभी निजी शिक्षण संस्थानों से आए हुए हैं, आप केपी सिंह जी की तरह एक सभी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सुसंस्कारित करें, उनको अच्छे संस्कार दें, उनको बड़ों का सम्मान करना सिखाएं और उनको एक दिमाग में ये दें कि आपको आगे बढ़कर और कहीं ना कहीं कुछ बढ़ना है, इस क्षेत्र का नाम रोशन करना है। और जैसा इस तरह की सुविधा देना सभी ग्रामीणों के लिए भी अच्छा है, नजदीक में इतनी अच्छी सुविधा मिलेगी उन्हें। और सबसे जरूरी जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा, वो यहाँ पे मिलेगी। इसके संस्थापक बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। पहले मेरे मामा श्री केपी सिंह जी और भाई जेपी कसवा सरपंच, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय इस संस्थान के उद्घाटन के लिए निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ कि आपने नीम का थानापुर जिला बनाकर यहाँ के वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात आपने दी है, और जिले तो 17 बने हैं पर पूरे राजस्थान में बात की जाती है कि अगर प्रयास कहीं से हुआ है जिला बनाने के लिए तो नीम का थाना से हुआ है। तो ये बात जब हम कहीं सुनते हैं तो दिल बड़ा गदगद हो जाता है कि कम से कम हमारे ऐसे प्रतिनिधि तो हमारे बीच में है जो हमारे नीम का थाना की आवाज को बहुत अच्छे तरीके से वहां पर पहुंचाते हैं। इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसा कि मैं